देश के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर में एक बार फिर शहनाई बजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत राधिका की शादी की तारीख तय हो गई है। खबरों के मुताबिक कपल की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी, लेकिन उससे पहले अंबानी परिवार ने प्री वेडिंग सेलिब्रेट करने का ऐलान किया। प्री वेडिंग का ग्रैंड फंक्शन 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में हो रहा है। कपल की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार से लेकर राजनीतिक जगत की हस्तियां और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शिरकत करने वाले हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी के पास अपार दौलत है, वो चाहते तो अपने छोटे बेटे की शादी विदेश में भी कर सकते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने गुजरात का जामनगर ही इसके लिए क्यों चुना? अनंत अंबानी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वेड इन इंडिया यानी भारत में शादी करने की अपील की थी। वो पीएम मोदी की इस अपील से काफी प्रभावित हुए, इस वजह से उन्होंने देश में ही शादी करने का फैसला किया। यहाँ जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूँ, अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचा देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। वही प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में करने के पीछे की एक और वजह भी उन्होंने बताई। अनंत अंबानी ने बताया कि जामनगर में ये फंक्शन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जामनगर से बहुत प्यार है। उनकी दादी का जन्म भी जामनगर में हुआ था। वहीं उनके दादा धीरूभाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, इसी वजह से उनका जामनगर से खास लगाव भी है। वहीं अंबानी परिवार द्वारा लिए गए इस निर्णय की जामनगर की आम जनता खूब सराहना कर रही है। लोगों का कहना है कि पहले जामनगर का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन अंबानी परिवार के इस फंक्शन की वजह से जामनगर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा और उनकी वजह से जामनगर ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज हुआ है। सुनिए लोगों ने क्या कहा। जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी जी का होने वाला है 1-3 तारीख तक। जामनगर के निवासी हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, एक बढ़िया, इसलिए कि जामनगर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई पहचानता भी नहीं है जामनगर को, द्वारिका के हिसाब से ही सब पहचानते भाई, जामनगर द्वारिका से पहले आता है। एकदम बहुत प्राउड हो रहा है हमें कि इतने बड़े बड़े लोग जामनगर आ रहे हैं। अंबानी जी के छोटे बेटे का प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं जामनगर के निवासी होकर, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार? बहुत अच्छा और खुशी महसूस हो रही है कि वो लोग अपने है ना, वो इतना ऊंचे होने के बाद भी वो बेस लेवल पे बैठ के इधर है ना, सभी से मिलजुल के काम करते हैं, बड़ी बात ये है। इतना बड़ा फंक्शन और सभी से मिलजुल के अभी ग्राउंड लेवल पे समझो सभी से बात करते हैं, छोटे हो या बड़ा, उसको अपने इतना हाई नहीं मानते, इतना अच्छा नेचर है उनका। ऐसे बड़े बाहर के लोग मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स वो सब आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? उनको हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जामनगर को ग्लोबल लेवल पे ले लिया। अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को बोलना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि उनकी वजह से जामनगर एक्सपोज हुआ ग्लोबल लेवल पे। जामनगर इतना अच्छा है,
वहाँ यहाँ पे लोग सब अच्छी तरह से रहते हैं, मस्त है ये प्लेस। ऐसे इतने और लोग आएंगे यहाँ पे शादी वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है क्या, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे हमारे लिए जामनगर वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि जामनगर वैसे तो छोटी काशी कहा जाता है और इंडिया का पेरिस भी कहा जाता है, तो इन दोनों चीज़ों से तो ये जामनगर फेमस था ही, लेकिन जामनगर में यहाँ पर जो हमारे अंबानी जी है भारत के, और मैं तो कहूँगा कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से है, बिजनेस आइकून है, और उनकी भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है और उनके छोटे बेटे आनंद की शादी हो रही है, और उन्होंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ जामनगर में रखा है। तो इस फंक्शन में देखा जाए तो कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स जैसे है, शकीरा है, तो वे सभी आ रहे हैं, पूरा बॉलीवुड आ रहा है, और मेरे ख्याल से आज तो सलमान खान और शाहरुख खान भी आ गए हैं, और पूरी क्रिकेट टीम आ रही है। तो विश्व को माने कि एक जामनगर के फलक पर ला के खड़ा कर दिया हो ऐसा महसूस होता है, और एज ए जामनगर वासी हमें ये फील होता है कि चलो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वो पूरी दुनिया के सामने आए, यहाँ की खान पान रीति रिवाज जो है, तो ये एक दुनिया से कनेक्ट करने का एक अच्छा मौका जामनगर वासियों को मिला है, और इसके लिए थैंक टू अंबानी फैमिली कि इन्होंने ये पूरा, चाहते तो वो प्री वेडिंग के रूप में कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी रख सकते थे, बड़े बड़े होटल है वो भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को और अपनी कर्मभूमि को जो महत्व दिया है और जामनगर में ये पूरा आयोजन किया है, उसके लिए एक जामनगर वासी होने के नाते उनको भी धन्यवाद देते हैं हम। इससे पहले कभी भी ऐसा बड़ा फंक्शन हमारे जामनगर सिटी में हुआ नहीं है, और अभी ये मतलब ग्लोबली लीडर्स सारे आ रहे हैं, सारे फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, इसीलिए हमारे जामनगर भी मतलब आने वाले फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाएगा, और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हम जहाँ पे रहते हैं उधर ऐसा बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये जो आनंद अंबानी जी की शादी हो रही है इसके लिए पूरा शहर बहुत खुश है, और पूरे शहर में सजावट हो रखी है, और उसने जो वनतारा नाम का प्रोजेक्ट जो प्राणियों के लिए किया है वो भी बहुत सही है, और यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है उसको देखने जाने के लिए, और उसने प्राणियों के लिए तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत है हमारी हॉस्पिटल में, तो हम आनंद अंबानी जी के रिक्वेस्ट करें कि वो प्राणियों के लिए जो करे वो ह्यूमन के लिए भी उसके लिए कुछ सोचे, और हमारी हॉस्पिटल में भी कुछ बढ़िया काम कर दे, ताकि पूरे जामनगर वासियों को रिलायंस की एक बहुत बड़ी भेंट इस शादी के रूप में परमानेंट मिल जाए। इतने कैसे देखते हैं? हाँ, बड़े बड़े लीडर्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और रियाना जी और सब सिंगर्स और बी पार्क और सब बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी आ रही है, उसकी वजह से जामनगर में बहुत ही लोग आनंदित है, और टीवी में देखने के लिए भी एक्साइटेड है। हम लोगों को तो इन्विटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन टीवी में सब देखेंगे कि कैसी शादी हो रही है।